गुड आफ्टरनून एंड वेरी वॉम वेलकम आज की ट्रेनिंग और ये जुलाई मंथ की पहली ट्रेनिंग है हमारी डिजिटल की और आज हम बात करेंगे प्राइमरिली ऑनलाइन एंड डिजिटल एफिशिएंसी के बारे में कि हम अपने लिए एक स्मार्ट एक एफिशिएंट सिस्टम कैसे बना सकते हैं और वो सिस्टम बनाने के लिए हमें किन चीजों का ख्याल रखना है तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रियली इफेक्टिव एंड एफिशियंट ऑनलाइन सिस्टम वट इज दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम मी वट इज दैट आई एम सपोज टू डू सो दैट आई कैन ग्रो माई बिजनेस फास्टर राइट क्योंकि डिजिटल जब हम करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन भी बहुत आते हैं और हमारे पास एक डबल स्पीड आती है तो अगर हम डिजिटली काम करें और हम ग्रो नहीं कर रहे हैं इट मीन्स दैट वी नीड टू समेर लाइक यू नो अपग्रेड अवर सिस्टम वी नीड टू रिवैंप अवर सिस्टम सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ग्राउथ लेके आ जाए अपने लिए सो दैट इज वट यू नो स्मार्ट वर्क एंड एफिशियंट वर्क मीन नो बिफोर आई डाइव इन टू द डिस्कशन और मैं बात करूं किन किन चीजों के बारे में हम लाइक like, नो you know, ख्याल रखना है आई एम श्योर की आप सबको ऑलरेडी इस महीने का कैलेंडर मिल गया होगा जो कि अपडेटेड है वेबसाइट पे हमने सेल्स टीम के साथ भी शेयर किया है और जो भी मेरे अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स है वहां पर भी मैंने अपडेट दिया है अदर देन दैट काफी ब्रांड पार्टनर्स हमें एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में ट्रेनिंग मांग रहे थे तो फॉर दिस मंथ आई एम डूइंग थ्री डूइ विच आर इन इंग्लिश ऑनली एंड उसका भी मैंने डिटेल uh, कल व्हाट्सअप ग्रुप में डाला है कि कौन कौन से डेट पे कौन कौन सी तीन होंगी आइडियली मैंने हर ट्यूजे ट्यूजडे कंसिडर किया है पांच से छह बजे और हम तीन ट्रेनिंग्स करेंगे ऑन कम लाइकडेज पांच से छ बजे इंग्लिश में ट्रेनिंग होगा

और लीडरशिप एंड रिक्रू लीडरशिप डेवलपमेंट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे वंस वी हैव द फाइनल नाउ लाइक यू नो जब हम बात करते हैं एक 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 डिजिटल सिस्टम की जो जो कोर होता है जो एक बहुत है बहुत बेसिक हमारे सिस्टम में होना वो है तीन फंक्शन प्रोस्पेक्टिंग रिक्रूटमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट यानी ये तीनों चीजें होनी चाहिए हमेशा ये तीनों चीजें रुकनी नहीं चाहिए नाउ अगर हम देखें प्रोस्पेक्टिंग और डेवलपमेंट में जो एक ब्रिज आता है विच इज अवर रिक्रूटमेंट तो उस रिक्रूटमेंट को मैं काफी ज्यादा सेंट्रलाइज करूं एंड मैं ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डालू कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना है अपने सिस्टम में मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस के लिए इनवाइट करना है अगर आपका एक ऐसा माइंड सेट है स्ट्रॉन्ग एंटरप्रनर वेर यू वॉन्ट टू हैव मोर एंड मोर पीपल ज्वाइनिंग जहां पे आप चाहते हो कि आपका सेल्स फोर्स बहुत ज्यादा बढ़े आपके एक्टिव काफी बढ़े एक्टिविटी आपके नेटवर्क की स्ट्रांग हो तो आपको एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है पहले वो है अपने अपॉर्चुनिटी मीटिंग को स्टैंडर्डाइज़ करना है यानी आप डिसाइड करो कि आप वीक में कितनी बार अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग करते हो आर यू डूइंग इट ट्वाइस अ मंथ ट्वाइस अ वीक थ्राइस वीक फोर टाइम्स अ वीक फाइव टाइम्सिंग एवरी डे पहले आप वो डिसाइड करो क्यों क्योंकि आज के टाइम में एक्चुअली डिटरमाइंस कि आप कितना काम करते हो आप कितने प्रोडक्टिव हो आप कितने रिजल्ट लेके आते हो जब हम देखते हैं कि आप अपॉर्चुनिटी मीटिंग फ्रिक्वेंटली करते हैं यानी एक आप अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स भी करते हैं और दूसरा लोग आपकी मीटिंग्स को ज्वाइन भी करते हैं दैट इज अ वेरी वेरी गुड इंडिकेटर कि आप और आपका नेटवर्क कितना एक्टिव है नाउ इमेजिन आपके पास कोई प्लान नहीं है और आप इसको एडहॉक बेसिस पे करते हो कभी भी सो so आपको क्या करना है आपको करना है कि महीने, वीक में तीन बार, चार बार पांच बार छह बार मेरा अपॉर्चुनिटी मीटिंग होगा और मेरा अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो है इतने ड्यूरेशन का होगा इसमें ये ये एलिमेंट होंगे इसमें ये ये एक लाइक यू नो इम्पल्स रहेगा हमारा ऐसे हमारी डिलीवरी रहेगी ये तरीके के टेस्ट मनीज होंगे बिकॉज अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो है बहुत बहुत क्रिटिकल है लोगों को इस सिस्टम में लेके आने का पीपल शुड ज्वाइन युनिटी मीटिंग और आपने क्या किया है आपने स्टैंडर्डाइज किया है ना इमेजिन लाइक यू नो मेरा सिस्टम है जहां पे मैं ऑल्टरनेट डेज में ओएम करता हूं यानी मैंने हर मंडे या मैंने एवरी ट्यूसडे एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे मेरे ओ एम के दिन है यानी मुझे पता है कि ट्यूजडे को थर्सडे को और सैटरडे को मेरा अपॉर्चुनिटी मीटिंग होता है नई डू इज आई प्रोस्पेक्ट टूमारो इज थर्सडे फॉर इंस्टेंस तो वट विपन इज दैट कि मैं आज प्रोस्पेक्टिंग करूंगा सो दैट आई क्यू नो कल को मेरा जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड कर पाए And same thing I will do with my network. I'll tell them, hey, tomorrow I am hosting opportunity meeting. ये मेरा planner raha aur aap log bhi kya karoge you will also start prospecting and try to bring as many people as possible to our opportunity meeting tomorrow. जब मैं एक ऐसा culture create करता हूँ तो मुझपे एक positive reinforcement आता है जहाँ पे मुझे prospecting करनी पड़ती है. मेरी team वाले they also feel like you know motivated.

आप सही चीजें बोलते हो आपकी डिलीवरी अच्छी है आप लोगों को मोटिवेट करते हो आप लोगों को एक्साइटेड फील कराते हो इस बिजनेस के बारे में ये सारी चीजें आपके ओवर में डेफिनेटली होनी चाहिए नाउ जो प्रोसेस है फिर वो बहुत सिंपल है आइडियली आपके पास जो भी लीड आती है चाहे वो लीड किसी फेसबुक ग्रुप से आ गई वो लीड एडवर्टीजमेंट से आ गई वो लीड ऐसे ही कॉमेंट किया किसी ने आइडिया शुड बी के लाइक नो जो भी लीड है उनके साथ हम डायरेक्टली लाइक like, या जितनी जल्दी हो सके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें उनके साथ उनको अपने व्हाट्सएप पे लेके आ जाए और व्हाट्सएप के बाद उनके साथ अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग करें दैट इज लाइक यू नो द क्विक प्रोसेस जो आपको दिमाग में रखना है कि लीड आई उसको जल्दी से व्हाट्सएप पे लेके आ जाओ क्यों क्योंकि अगर वो सोशल मीडिया पे रही कहीं कॉमेंट्स में ही रही तो बहुत टफ है उसको फिर कन्वर्ट करना लेकिन व्हाट्सएप के पास आपके पास ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन है आप फॉलो अप इजीली ले सकते हो लोग व्हाट्सएप चेक भी करते हैं आपने कितने लोग एग्री करेंगे जब भी हमारे पास नोटिफिकेशन आता है तो आप जल्दी से व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन चेक करते हो बिकॉज यू थिंक कि कुछ इंपॉर्टेंट आया है चाहे फिर वो भले इंपॉर्टेंट क्यों ना हो वो कोई किसी ग्रुप में भी नोटिफिकेशन हो सकती है बट लाइक यू नो दैट इज हाउ द ह्यूमन साइकोलॉजी इज और आई थिंक लास्ट टाइम का जो मैंने डेटा पढ़ा था वो ये था कि लाइक यू नो तीन सेकेंड से कम का अटेंशन स्पेन है मतलब अगर मेरे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ जाए तो विद इन थ्री सेकंड लोग उसको ओपन भी करते हैं तो दैट्स वाई लाइक यू नो जो आपका पहला प्रोसेस है वो ये है कि लीड आ जाए और उसको किसी ना किसी तरीके से हम व्हाट्सएप पे लेके आ जाए और व्हाट्सएप के बाद उनके साथ हम फॉलो अप करते हैं अगर मैं फ्री हूँ कल तो मैं अपने आपके ओवर में आ जाऊंगा मैं फ्री नहीं हूं मैं कोई और स्लॉट में आ सकता हूं तो आपके पास मेरे के मुझसे कम्युनिकेट करना मुझे अपडेट देना इजी रहता है एंड अ वेरी गुड आइडिया कि अगर आपके पास लीड्स आती है तो आप अपना एक सीआरएम मेंटेन करो सीआरएम इज बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी मेरे पास लीड्स आती हैं मैं उनका जैसे आपने एक एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाया गूगल स्प्रेडशीट ऑनलाइन उसमें आपने मेंशन किया ये इसका नाम है करंट बैकग्राउंड ये है इस सिटी से है ये मोबाइल नंबर है ये ईमेल आई है इसके साथ कल फॉलो अप करना है तो जब आप ऐसे काम करेंगे तो इससे क्या होगा तीन चीजें हो जाएंगी जो बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए एक आपका जो कन्वर्शन जो टर्न अराउंड प्रोसेस है वो बहुत क्विक है लीड आ गई व्हाट्सएप के बाद में आ गई और रिक्रूट हो गए दूसरा लीड्स के साथ फॉलो अप करना उनको लाइक यू नो दोबारा से उनको कम्युनिकेट करना आपके पास इजी एक्सेस रहेगा और तीसरा जब आप सीआरएम शीट भी मेंटेन करते हैं तो आपके पास डेटा भी रहता है अच्छा लाइक यू नो मे में मेरे पास इतना लीड आया था अप्रैल में इतना लीड आया तो सारी लीड्स आपके पास भी है नाउ जब आप ऐसे काम करोगे तो आप देखोगे कि आप एक बेटर अप्रोच और माइंड सेट के साथ काम करते हैं प्रोसेस क्या है कितने लोग आते हैं कहां से मुझे ज्यादा लीड्स आती हैं कौन सी लीड्स कन्वर्ट होती हैं। एंड ट्रस्ट मी लाइक यू नो सबका अपना अपना सिस्टम वर्क करता है बट दिस इज समथिंग विच इज सेंट्रल सबको ऐसे काम करना है बट फिर आपको देखना है कि लोग कहाँ से आपको अपने जैसे मिलेंगे एंड दिस इज द बेस्ट वे टू गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस जब आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनको आपका एटीट्यूड जिनको आपकी पर्सनालिटी जिनको आपका लाइफ स्टाइल जिनको आपका माइंड सेट पसंद आता है और वो हमारे पास फिर बहुत ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग प्रोस्पेक्टिंग लीड फिल्ट्रेशन बट दिस इज क्रिटिकल कि मैं एक ऐसा प्रोसेस सेट करूं जो बहुत एफिशिएंट है और जिसका टर्न अराउंड टाइम मेरे लिए बहुत कम हो जैसे फिर आप कहोगे ठीक है लाइक यू नो लीड्स तो बहुत टाइप से आते हैं दैट आई प्रोस्पेक्ट सी लीड्स के बहुत ज्यादा है तो आपके पास पर्सनल ब्रांडिंग से लीड आती है पर्सनल ब्रांडिंग व्हाट आई मीन इज समझो कि आपने अपनी लाइफ की जर्नी कहीं पे शेयर करी है या आपकी बहुत ही कोई इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है या फिर लाइक यू नो लोगों को आपका इंस्टाग्राम अच्छा लगा लोगों को जो भी आप वहां पे चीजें करते हो यूटूब पे वो अच्छा लगा तो वो उस चीज से कन्विंस होके आते हैं उस चीज से इंस्पायर आते हैं तो यूजली जो लोग ऐसे आते हैं वो फिल्टर्ड लीड्स होती हैं वो ऑलरेडी इंस्पायर्ड होते हैं आपकी स्टोरी से उनको ऑलरेडी पता है कि आप कौन हो आप और ये सारी चीजें उनको पता है ये जो ऐसी लीड्स हैं इनका जो कन्वर्शन है वो बहुत स्ट्रॉग होता है इट्स आपकी आपकी वो इधर उधर की बातें करेंगे नहीं वाई वो कहेंगे मैम हमें भी आप या yeah, सर हमें भी आपके जैसा सक्सेसफुल बनना है राइट सो दैट इज इम्पोर्टेंट बट पर्सनल ब्रांडिंग क्या है ये दो दिन का काम नहीं है ये टाइम लगता है इसमें इट्स लाइक यू नो स्लो धीरे it धीरे बनता, बनता है लेकिन अगर आप तीन साल कंसिस्टेंटली बिजनेस पे अपने ग्राउथ पे और सही से सोशल मीडिया पे चीजें ड्राइव करोगे तीन साल में आपकी आइडेंटिटी कहाँ से कहां पहुंच जाएगी आपका नेटवर्क आपकी कम्युनिटी कहा से कहा पहुंच जाएगी यू हैव नो आईडिया की इसका बेनिफिट आगे जाके कितना है यहाँ पे आएम श्योर लाइक यू नो आपको भी बहुत बार रिक्रूट करना आसान होता होगा जब आपको लगता है कि ये लोग ऑलरेडी हमारे बारे में जानते हैं इज इट और फिर लाइक यू नो सी ऑल आई एम मेन्शनिंग आर बेसिकली वेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड ओके सो लॉर्ड ऑफ पीपल आर टेक्सटिंग मी हियर

यानी से बहुत सारे लिंक्डइन इन कम्युनिटीज में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं like, you know, बट फिर हम देखते हैं कि अगर सौ लोगों ने कमेंट किया सौ में से सौ के लोग ज्वाइन नहीं करते मुझे उनके इतने सारे सवाल होते हैं उनके इतने सारी क्वेरीज होती हैं वो इतनी सारी चीजें पूछते हैं कि मुझे बहुत टाइम लगता है कभी कभी मेरे दिन चले जाते हैं उन लोगों के साथ फॉलो अप करूं और लास्ट में वो सिस्टम में आते भी नहीं है एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जहां पे लोग कम्युनिटी uh, में जब इतनी एग्रेसिव uh, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो फॉलो अप करना वो एक सिस्टम बना लेना बहुत बहुत डिफिकल्ट लगता है बिकॉज दिस इज ऑल विच इज हैपनिंग मैनिम अब इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं दो चीजें या तो अगर आपके एक पोस्ट पे सौ लोगों ने कमेंट किया डू नॉट रिप्लाई टू ऑल हंड्रेड पीपल दो तरीके यहाँ पे आप उनको फिल्टर कैसे कर सकते हो एक है कि आप उस सबसे पहले उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल ओपन करोगे जैसे मैंने आपके पोस्ट पे रिप्लाई किया आई एम इंटरेस्टेड तो आपने क्या किया आपने पहले मेरा प्रोफाइल देखा और आपको अगर मेरा प्रोफाइल पसंद आया अगर आपको लगता है कि नहीं दिस पर्सन इज क्रेडिबल जेनवन है इनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो यू विल रेस्पॉन्ड बैक टू मी लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं प्रोफाइल पे तो कुछ है ही नहीं इन्होंने तो कभी पोस्टिंग करी नहीं है शुड आई रियली बी इन्वेस्टिंग टाइम विद पीपल नॉट वो आपकी कॉल है बट यू नो यूजली एटलीस्ट प्रोफाइल शुड बी ऑथेंटिक अपनी पिक्चर हो भले वो पोस्ट एक्टिवली भी ना करते हो बट यू नो ऑथेंटिसिटी आपको अगर लगती है टॉक टू दो पीपल दूसरा आप एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं या कोई बहुत सारी और भी फॉर्म्स की ऐप है जहां पे आप इन लोगों से कहते हैं कि हमारे बिजनेस जैसे किसी ने कहा आई आई इंटरेस्टेड टू नो मोर कैन गेट डिटेल्स तो आप क्या करते हो आप उनको अपने एक उस फॉर्म का लिंक भेजते हो एंड यू टेल देम कि अगर आप हमारी अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स के साथ रजिस्टर करो विल गेट बैक टू यू नाउ यहाँ पे भी आपकी बहुत बहुत अच्छी फिल्ट्रेशन हो जाएगी सब जो कि सौ लोगों ने इंटरेस्ट बताया था कॉमेंट कॉमेंट में तो आपने क्या किया आपने उन लोगों को फॉर्म का लिंक भेजा में से अगर 20 लोगों ने वो फिल किया है, तो आपकी फिल्ट्रेशन वही से आपका फॉर्म फिल करके आपको डिटेल भेजी है न आपके पास बना बनाया डेटाबेस भी आ रहा है और आपको ये भी पता चलता है ये लोग कौन है क्योंकि उस फॉर्म में आपने मुझसे मेरा नाम पूछा आपने मुझसे मेरी आ, करंट प्रोफेशन मांगी आपने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा मेरी सिटी मांगी तो आपके पास काफी डिटेल्स भी मेरे पास तो आप मुझे व्हाट्सअप में भी ऐड कर सकते हैं आप मुझे राइट सो दैट इज हाउ लाइकस्टैंड कैसा होना चाहिए अगेन लाइक यू नो सॉरी एड्स एंड प्रमोशन अगेन काफी काफी इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम में बहुत सारे लीडर्सेड एग्रेसिवली using advertisement and promotion as a tool to prospect and have more and more people coming to their opportunity meetings to so, aapko kis tarike ka content promote karna hai kis kis tarike ki product stories ho gayi ya business ki testimonies ho gayi unko promote karna hai मुझे कैसे कैसे ad चलाने हैं किस तरीके का content मुझे दिखाना है किस तरीके की leads मेरे पास आनी चाहिए तो so that's again like you know

आपके नेटवर्क में एक टीचर टर्न एंटरप्रनर है यानी कोई टीचर थी जो बिल्कुल लाइक है दस हजार पंद्रह हजार का एक इनकम लेती थी बहुत टाइम से और आज के टाइम में उनको दस पंद्रह बीस साल हो गए हैं जॉब करते हुए और वो वही दस पंद्रह की सैलरी या बीस की सैलरी में खुश थी लेकिन एक साल पहले उन्होंने पार्ट टाइम आपके साथ ज्वाइन किया था और आज के टाइम में वो गोल्ड डायरेक्टर से भी ज्यादा बन चुके हैं उनकी अर्निंग बहुत अच्छी है उन्होंने कॉन्फ्रेंस ली है राइट right? उनके पास कैश अवॉर्ड है उनके पास अपना एक टैग है आप अपना एक ब्रांड है नाउ दिस इज़ अ रियली को अपने यूट्यूब पे डाला या इसको आप अपने इंस्टाग्राम पे डाला तो उसमें आप टारगेटिंग क्या रखेंगे यानी जो भी वुमेन है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है जो टीचर है क्यों क्योंकि जो टीचर है वो स्टोरी के साथ बहुत इंस्टेंटली रिलेट कर पाएगा अरे मैं भी तो एक टीचर हूं मैं भी इतने टाइम से एक बिल्कुल बेसिक सैलरी में खुश हूँ मे बी आई शुड डू समथिंग लाइक दैट क्यों क्योंकि माइंडसेट मैच होता है और अगर आप देखोगे जो हमारा बिजनेस है इट्स अ पीपल्स बिजनेस यहाँ पे जितना आप लोगों के माइंड के साथ कनेक्ट करते हैं जितना आप लोगों के साथ लाइक यू नो खुल पाते हैं बिजनेस को लेके उतना ही आप देखोगे लाइक यू नो एक रिलेशनशिप uh, भी बनती है और ग्राउथ भी आती है दिस इज लाइक यू नो रियली रियली गुड वे टू अंडरस्टैंड कि मेरा कंटेंट किस तरीके का है एंड हाउ इज आई टू प्रमोट हाउ इज टू कंटेंट एंड लाइक यहां पे आप आईडेंटिफाई करते हो दिस थिंग इज समथिंग जो आप अपने फेसबुक प्रोफाइल से कर सकते हैं या आप लिंक पे कर सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे पहले यू विल ओनली डू दिस अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी है यानी आपका एक इंस्टाग्राम क्रेडिबल लगता है और वहां पे आप अपने पर्सनल ब्रांड को अपने बिजनेस को सेलिब्रेट करते हो आपके लिंकड बहुत ऑथेंटिक लगता है आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है राइट क्यों क्योंकि जब आप किसी को मैसेज करते हो इंस्टाग्राम पे लिंकड पे वो आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे वो सबसे पहले आपका प्रोफाइल चेक करेंगे अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया तो मैं पहले आपका देखता अरे आप हो कौन ना इमेजिन वहां पे कोई ब्रांडिंग ही नहीं है तो वो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं नो मैटर हाउ गुड और हाउ कॉम्पेलिंग यूर इंपॉर्टेंट दैट वेन आई रीच आउट टू पीपल एंड आई इनवाइट एग्जाम्पल देता हूँ मेरा एक बहुत ही अच्छा इंस्टाग्राम अकाउंट है जहां पे बात होती है बिजनेस की इन सारी चीजों की इट लुक्स वेरी क्रेडिबल वेरी अट्रैक्टिव नाउ मैं चाहता हूं कि मेरा जो नेटवर्क है वो कोलकाता में लाइक यू नो मैं उसको स्प्रेड करूं एंड कोलकाता से मुझे ज्यादा टीम बनानी है कुछ लोग ऑलरेडी जुट चुके हैं नव आई वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम कोलकाइन टीम टू बी पार्ट ऑफ माई ऑनलाइन बिजनेस इज ऑरिफ लेट आई डू इज मैं कोलकाता से लोग आइडेंटिफाई करता हूँ और फिर उनको एक अच्छा सा मैसेज डालता हूँ जैसे लाइक यू नो मैं एक ब्यूटी एंटरप्रनर हूँ एंड अभी आई एम एक्सपैंडिंग माई बिजनेस इन कोलकाता Uh, क्या आप इंटरेस्टेड हो लाइक यू नो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी uh, uh, के बारे में जानने के लिए एंड हाउ इज दैट यू कैन डू इट फ्रॉम दन्वीनियंस ऑफ योर होम यूजिंग सोशल मीडिया जो आप ऑलरेडी कर रहे हो जब मैं लोगों को ऐसे ऐसे मैसेज डालता हूँ सो देर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट दे आर इेरी मच इंटरेस्टेड दे विल रियली वॉन्ट टू नो अबाउट इट बट वो करने से पहले दे विल डेफिनेटली वॉन्ट टू हैव अ लुक एट माई सोशल मीडिया फर्स्ट सो दिस इज समिंग यू शुड ओनली डू जब आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस

बिजनेस की बात हो रही है क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनकी बात हो रही है कहाँ कहाँ वो ट्रैवल कर सकते हैं उस चीज की बात हो रही है तो दिस इज इम्पोर्टेंट या फिर लाइक यू नो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ रियली इंटरेस्टेड बट मेरे पास टाइम नहीं है मैं आपके अपॉर्चुनिटी मीटिंग में नहीं आ सकता चाहे भले वो आपके व्हाट्सएप पे भी आ गए तो क्या आप मुझे कुछ और सेंड कर सकती हैं

लेकिन पैंडमिक के बाद से इट बिकेम वेरी वेरी अपेरेंट इट बिकेम वेरी वेरी एविडेंट दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट टू वर्क ऑनलाइन और हमारी लाइफ में डिजिटल मीडिया डिजिटल टूल्स ऑनलाइन टूल्स का कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो चुका है और ये इंपैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ में भी है और हमारे बिजनेस में भी है और पर्टिकुलरली लाइक यू नो आज के टाइम में जब हमारे पास ऑनलाइन हमारी नेसेसिटी बन गया है और चाहे हमें अपने लाइफ को अपने इमोशंस को अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करना है हम सोशल मीडिया और ऑनलाइन का ही सहारा लेते हैं नाउ ऑफलाइन और ऑनलाइन काम करने में क्या डिफरेंस है फर्स्ट इज आप अपना टाइम बचाते हो और आप ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपको इजीली पता चलेगा कि आगे जाके आपको डिजिटली कैसे काम करना है तो इट इज सेविंग टाइम सी वज इट मीन अब जैसे मैं प्रोस्पेक्टिंग की बात करता हूँ अगर मैं ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करू तो मैं दिन की तीन मीटिंग्स कर सकता हूँ मे बी एंड बी रियली टायरिंग फॉर मी मुझे बाहर जाना पड़ेगा मुझे एफर्ट uh, लगेगा तैयार होने में कम्यूट करने में एंड लाइक यू नो उस लोकेशन पे पहुंचने में बाहर वहां से घर वापस आने में देन आई विल है अदर थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर मी एज वेल

ऑनलाइन मैं इतना टाइम बचा सकता हूं और मैं ज्यादा काम कर सकता हूं तो ये चीजें मेरे क्या लाइक यू नो सिस्टम में है अभी एंड इन ऑर्डर टू हैव सच ए सिस्टम अगर आपको भी एक एफिशिएंट सिस्टम बनाना है नाउ यहां पे जो हम चीजें डिस्कस करेंगे आप देखेंगे कि आपको किस किस चीज पे काम करना है द फर्स्ट थिंग इज लाइक यू नो लीड फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म यानी आपको देखना है अभी जो आपका सिस्टम है क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है उसमें जहां पे आप लीड्स को फिल्टर कर सकते हैं सी इज़ टू मेक बिजनेस एंड स्मूथ जैसे यहाँ पे आप एक असेंबली लाइन देखते हो जहां पे कार बनती है इट डज नॉट हैपन कि कार रैंडमली बनती है कहीं से कोई भी आके लाइक यू नो कार को असेंबल करता नहीं इट गोज थ्रू अ प्रोसेस एक प्रोसेस ये है दूसरा स्टेप ये है तीसरा स्टेप ये है। जब ये सारे पास आता है, एक अच्छी कार आती है जो रेडी है जिसमें इंटीरियर्स भी है जिसमें इंजन भी है जिसमें लाइक यू नो सारी चीजें हैं सो इट्स लाइक यू नो फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड सेम फिलोसफी सेम हमें अपने बिजनेस में भी यूज करना है कि जो लीड्स आती है ऐसा ना होता like, you know, हो है, नहीं कि ये लोग exactly कौन है। मैं आपको स्टूडेंट एक, एक से बात करनी है आपको एक वर्किंग मॉम से बात करनी है दोनों को अगर आप सेम चीजें कहेंगे यू आर नॉट बींगेरी इम्पैक्टफुल लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट लेकिन जब मैं एक स्टूडेंट से बात करूंगा मैं एक वर्किंग मॉम से बात करूंगा एंड आई नो हु आई एम टॉकिंग टू आई नो हु माय टारगेट ऑडियंस इज मैं बहुत अच्छे से उनको कन्विंस कर सकता हूँ इस बिजनेस के लिए दैट इज द ब्यूटी ऑफ फिल्ट्रेशन दैट इज द ब्यूटी ऑफ आइडेंटिफाइंग कि आप किन लोगों से बात करते हो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो लीड फिल्ट्रेशन बहुत क्रिटिकल है जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था कि हम एक गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं हम एक ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहां पे जो भी हम कम्युनिटी में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं प्राइमरीली वहां पे हम एक फिल्ट्रेशन लगा सकते हैं इसको छोड़ के जब भी मुझे अपने कंटेंट को प्रमोट करना है मुझे अपने पेज को प्रमोट करना है मुझे ऐड चलाने हैं तो वहां पे भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन लगा के एक राइट ऑडियंस तक वो कॉन्टेंट पहुंचा दू सो दैट वो उसको देख के इंस्पायर हो जाए और मेरे साथ जुड़ जाए इंक्वायर करे मेरे बिजनेस के बारे में जो भी रेजिड है जो भी लेफ्ट लाइक यू नो वर है टी वो बाहर रहेगी जो उसका लाइक यू नो रेजिड होगा और आपके पास बस एक अच्छा कप मिलता है चाय का विच यू रेलिश विच यू एंजॉय दैट एग्जैक्टली लाइक यू नो वट लीड फिल्टरेशन डज यानी जो भी फ्री लोडर्स होते हैं जिनको एग्जैक्टली exactly में मोटिवेशन नहीं है जिनको काम नहीं करना है जो बस देखते हैं अरे कुछ देखते हैं कहीं कहीं से वो एक दो घंटा काम करके मुझे हजारों हजारों आ जाएंगे तो ऐसे माइंड के लोग पहले ही बाहर होते हैं और आपके पास वही लोग आते हैं हु आर इंटरेस्टेड हुई बिकॉज आप लीड्स को फिल्टर करके लेके आते हो आप उनको एक प्रोसेस के थ्रू लेके आते हो अपने सिस्टम में सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट समथिंग यू डेफिनेटली लाइक यू नो नीड टू है so, मेरा टाइम बचेगा राइट right? तो so, जो लोग इंटरेस्टेड है ही नहीं वो पहले ही बाहर चले जाते हैं तो अच्छी बात है मेरे लिए तो ऑल द फ्री लोडर्स ऑल दीपुलर नॉट मोटिवेटेड ऑल दीपुल्स जिनको समझ नहीं था ये उनको ये करना है वो पहले ही बाहर चले गए तो मी लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई गेट टू टू टॉक पीपल हु एक्शन और मेरे पास फिल्टर होके आती है तो ये मेरे लिए टाइम बचाता है और एफर्ट भी दूसरा ऑटोमेटेड रिप्लाई स्क्रिप्टेड मैसेजेस यानी लाइक यू नो क्या मुझे हर जगह प्रेजेंट होना जरूरी है कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे मेरे ऑटोमेटेड रिप्लाईज हो सकते हैं यानी अगर मेरे व्हाट्सअप बिजनेस पे कोई आता है तो वहां पे मेरे ऑटोमेटिक रिप्लाई कैसे हो सकते हैं अगर मैंने बिजनेस के लिए कोई ईमेल यूज किया है तो मेरे बिजनेस पे जो ऑटो रेस्पॉन्स होगा ईमेल पे वो क्या होगा अगर मैं फेसबुक पे कोई मैसेज का ऐड रन करता हूँ तो उस मैसेज पे मैं क्या ऑटोमेटिक चैट सेट कर सकता हूँ जहां जहां पे भी पॉसिबल है सो दैट्स लाइक यू नो जब आप इस स्लाइड को अच्छे से समझोगे तो आपको पूरा पता चलेगा कि जो भी बिजनेस की एफिशिएंसी है वो सारी इन पांच या छह स्टेप्स में छुपी हुई है तो कहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रिप्लाईज होने चाहिए एंड स्क्रिप्टेड मैसेजेस। बहुत बार लोग आपसे बहुत सवाल पूछते हैं वट कंपनी इज काइंड ऑफ कैश अवॉर्ड कैन आई गेट हाउ इज for? कॉन्फ्रेंस कैन आई I फॉर हाउ मच टाइम आई basis? वट काइंड इनकम कैन आई एक्सपेक्ट डू आई है ऐसे सवाल बहुत आते हैं तो अब मेरे पास अगर मैं एक स्मार्ट लीडर हूं मैं क्या करूंगा ऑलरेडीड मैसेज है अच्छे टेम्पलेट है उसमें और मैं उनको वही मैसेज भेजता हूं मतलब जैसे आपके पास एफेक्यूज होते हैं फ्रीक्वेंटली आस क्वेश्चन टू ई एंड एवरी क्वेश्चन लाइक फ्रॉम स्क्रेच नहीं हाँ आपके कुछ क्वेश्चन है ये रहा आपका पीडीएफ इसमें इन सब क्वेश्चन का आंसर है आप प्लीज गो थ्रू इट या ये देखो मेरा एक वीडियो है क्यू एंड टाइप इसमें आपको पता चलेगा मैंने इन सर सर्वी क्वेश्चन किया तो जो भी आपको लगता है कि बहुत क्वेश्चन आते हैं जहां पे आप ऑटोमैट कर सकते हैं या जहां पे आप एक स्क्रिप्टेड मैसेज सेट कर सकते हैं सो so दैट वो लोग वो लोगों तक वो चीज पहुंचे और उनका डाउट क्लियर हो सो दैट अगेन समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव योर इन योर सिस्टम थर्ड Oh, well. प्रस्पेक्टिंग तो और लीडरशिप डेवलपमेंट के दरमियान का तो जितना आप अपने अपॉर्चुनिटी मीटिंग पे काम करेंगे जितना ही इंपेक्टफुल होगा जहां जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें होगी जितना ये टू द पॉइंट होगा जितना ये दूसरे पर्सन को कन्विंस करेगा उतना ही आपका रिक्रूटमेंट रेशियो बढ़ जाएगा सो दिस इज अगेन वेरी वेरी क्रिटिकल कि आपका ओएम स्मार्ट है ऐसा नहीं कि आपका ओ एम डेढ़ घंटे का चल रहा है जैसे मैंने बहुत सा बार देखा है ऑफ पीपल वो अपने ओएम में पूरा इनकम कैलकुलेशन ये सारी चीजें रखते हैं नहीं इट्स नॉट अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी मीटिंग इज मोर अबाउट सेलिब्रेटिंग की अपॉर्चुनिटी क्या है किन के लिए है क्यों उनको करना है क्या बेनिफिट मिलेंगे और आपके साथ क्यों करना है और क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे इन चीजों को सेट रखना होता है इन चीजों को काफी अच्छे से कम्युनिकेट करना होता है और उनको बिजनेस समझाना होता है राइट सो दैट दे अंडरस्टैंड ओके दिस इज वरना एक ही दिन में थोड़ी बिजनेस सारा समझ आ जाएगा फिर उनको बोनस है समझने हैं उनको ग्रोथ uh, प्लान समझना है उनको प्रोडक्ट uh, समझने हैं उनको अपना एक नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर समझना है वो टाइम लगता है बट दैट इज नॉट कि हम सारा चीजें अपॉर्चुनिटी मीटिंग में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं नो इज मेकिंग पीपल इंटरेस्टेड इंस्पायरिंग पीपल मोटिवेटिंग देम देम गिविंग द क्लैरिटी दैट उनको ये अपॉर्चुनिटी क्यों लेनी है और उनको क्यों करना चाहिए अपने लिए बिजनेस और सेट द राइट एक्सपेक्टेशन

तो जब मैं आपको ज्वाइन करता हूँ आप मुझे पहले दिन बताते हो कि सफी देखो इस वीक आपको ये पांच या ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है और उसके बाद विल विल गेट बैक टू टू यू यू वेल अंडरस्टैंड कि आपने क्या प्रोग्रेस बट आर सम सिक्स ट्रेनिंग्स डेफिनेटली हैव अटेंड

कितने लोग कन्वर्ट हुए थे कितने लोग रिक्रूट हुए थे बिजनेस में कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया और उन छो लो, सौ लोगों में से कितने लोग आज के टाइम में आपके पास मैनेजर है तो अगर आपके पास डेटा है ही नहीं तो यू कैन नॉट बी अ रियली गुड जज अबाउट योर परफॉर्मेंस वाई बिकॉज यू डू नॉट नो एनीथिंग एट ऑल आप बस काम किए जा रहे हो बट यू डू नॉट नो हाउ टू टेक करेक्ट टू मेजर्स वाइर इज दैट आई एम गोइंग रॉन्ग मैं इमेजिन अप्रैल महीने में आपके पास दो लीड आ गई मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ और 200 में से क्या लाइक यू नो क्या आपने सबको कन्वर्ट किया नहीं मे बी आपने 200 में से 40 60 लोगों को कन्वर्ट किया तो आउट ऑफ टू हंड्रेड पीपल गॉट रिक्रूटेड लेकिन जो 140 पीपल है दे इंटरेस्टेड आज के टाइम में अगर अप्रैल में वो इंटरेस्टेड नहीं थे आज के टाइम में हो सकते हैं बहुत अच्छा ऑफर आया है बहुत अच्छी स्कीम आई है आप उनको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज तो भेज ही सकते हैं लेकिन अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है तो पहले ही वो चीज लॉस्ट लौ, हो जाती है मेरी दूसरी जब मैं ट्रैक करता हूं ऐसे तो आई ऑलरेडी अंडरस्टैंड ओके आउट ऑफ टू हंड्रेड चालीस लोग रिक्रूट हुए थे चालीस में से इन दस लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया और दस में से ये छह लोग आज के टाइम में बारह परसेंटर या अपना नाइन परसेंटर बनने वाले हैं या बन चुके हैं एंड दैट इज हाउ आई कैन ट्रैक द एफिशिएंसी कि अगर मैं ऑनलाइन काम करता हूँ अगर मैं ऑनलाइन से लीड्स लेके आता हूँ तो मेरी कितनी लीड्स आती है मेरा कन्वर्सन रेशियो कितना है मेरे नेटवर्क में एक्टिविटी कितनी होती है उसी के बेसिस पे आप देखोगे कि लाइक यू नो आपके बिजनेस की पूरी है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक यू नो आई हैव है बचा सकता हूँ नॉट एवरीथिंग लाइव मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आपका ऑपरचुनिटी मीटिंग तो हमेशा लाइव होना चाहिए लेकिन कुछ ट्रेनिंग्स है जैसे आपका किसी स्किन केयर का ट्रेनिंग है या कोई वेलनेस प्रोडक्ट्स के बारे में कोई ट्रेनिंग है जहां पे आपको लगता है कि ना ही कोई लाइव टेस्ट की जरूरत है इसमें बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये लोग एक रिकॉर्डेड वर्जन से भी समझ सकते हैं तो वहां पे आप उनको वेबिनार और ट्रेनिंग भेज सकते हैं अपनी राइट तो जब आप मुझे ट्रेनिंग का स्टेड्यूल बताते हैं तो आप पहले ही बताते हैं कि ये देखो ये आपकी लाइव ट्रेनिंग्स होंगी

With someone who is is not that successful kitne like, you know, efficiently wo apna वो अपना time manage कितने hain aur करते हैं और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप एक efficient तरीके से काम शुरू करेंगे जैसे अप्रैल आपको जुलाई का editorial बनाना है तो जुलाई में मुझे किन किन चीजों पे फोकस करना है कौन कौन सी चीजें मुझे अपने टीम को अपनी ग्रुप को वहां पे बतानी है किस किस चीज पे मुझे ब्रांडिंग या लाइक यू नो बाकी परस्पेक्टिव से फोकस करना है तो इससे क्या होता है आते जो कि बहुत बार कहा है ऑन एवरी प्लेटफॉर्म यू हैव द ऑप्शन कि आप अपने कंटेंट को स्केडूल कर सकते हैं तो आप अपने कंटेंट को इंस्टाग्राम पे भी स्केडूल कर सकते हैं एडवांस में फेसबुक पे भी राइट right? तो इससे क्या होता है इससे आप अपना टाइम बचाते हो

या लोग जो काम करते हैं लेकिन लाइक यू नो दे लूज मोटिवेशन उनको लगता है कि कोई डिसिप्लिन नहीं है मुझ में आपने समझो कि मंडे ट्यूसडे आपने छ छ आठ आठ घंटा काम किया उसके बाद पांच दिन का आपने ब्रेक लिया राइट right? आपने आधा घंटा ही काम किया आई एम श्योर कि लॉर्ड ऑफ पीपल यू नो इट है राइट मतलब आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द पीपल फेस विद दिस प्रॉब्लम की हमारे पास टाइम नहीं होता कभी या कोई पर्सनल एंगेजमेंट आ जाते हैं या कभी कभी मूड ही नहीं होता वाई बिकॉज लाइक यू नो वी आर नॉट इन टू हैबिट ऑफ है कि मुझे महीने में किन किन एक्टिविटीज पे किन किन चीजों पे फोकस करना है मुझे कितने बिजनेस प्लानिंग सेशन करने हैं कब कब मैं कंटेंट प्रोड्यूस किया करूंगी कब कब मैं अपने एड सेट करके रखूंगी कितने अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स मेरे स्टैंडर्डाइज हैं जो होने हैं तो इससे क्या होता है आपको ना पूरा पता चलता है कि आप कहाँ बिजी रहोगे आपकी कौन सी एक्टिविटी करनी है एंड अगेन अ गुड मेजर ऑफ योर सक्सेस और जो uh, मैं आपको भी एक सैम्पल कैलेंडर भी दिखाता हूँ एंड दैट्स लाइक यू नो जब मैं एक सिस्टम की बात करता हूँ इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन फंक्शन ऐसा नहीं कि आप सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कर रहे हो तो इट डज मीन कि आपकी ग्रोथ भी आ रही नहीं अगर आपके इंस्टाग्राम पे दस लाख फॉलोवर है बट इट डज नॉट मीन की यहाँ पे आप एक डायमंडर भी होंगे लेकिन right? जब हम और बात, बात करते हैं तो मेरा जो प्रॉस्पेक्टिंग है इट शुड बी अलाइं वहां से मुझे पोटेंशियल लीड्स आ जाए जब मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूँ मेरे पास अच्छे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट आ जाए जो कन्वर्ट हो रिक्रूटमेंट में और जब मेरा रिक्रूटमेंट होता है वो यू नो लीडर बन पा रहे हैं। से होता है. क्युं? अगर आज के में मैंने सौ लोगों को रिक्रूट किया लेकिन मुझे पता ही नहीं कि लाइक यू नो इन लोगों को मैं क्या क्या ट्रेनिंग दे दूं इनको मैं एक नाइन परसेंटर कैसे बना लूं इनको मैं मैनेजर कैसे बना लूं इनको मैं सीनियर मैनेजर कैसे बना लूं इट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक यू नो सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये तीनों चीजें होना जरूरी है एंड यू विल गेट अ बेटर हैंग ऑफ इट यू विल गेट अ बेटर अबाउट इट जब आप इस वाले मॉडल पे काम करना शुरू करोगे जो कि है लीड्स लेके आना उनको अपॉर्चुनिटी मीटिंग पे यू नो लेके आना और वहां से रिक्रूट करना और रिक्रूटमेंट के बाद उनका एक ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होना उनसे ऑर्डर प्लेस करवाना उनको ग्रो कराना उनको एक टीम उनकी अपनी एक उनको कोर टीम में लेके आना Right, that's all what happened into the back end. और जब हम बात करते efficiency ki we definitely have to talk about the important digital tools and resources we have. तो so, बहुत important है कि आप offline ऐप का use करें, आप business ऐप का use करें, so that like you know आप uh, quickly पता चले आपको क्या order कैसे करना है, कैसे track करना है। अपनी प्रोग्रेस को आप कैसे चेक कर सकते हैं क्या एक्टिविटी हो रही है राइट ये सारी चीजें आपको पता चलती है जब आप खुद सीखते हैं यू नीड टू 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 रियली रियली एप्स नेटवर्क न्यू और उनको भी सिखाना है कि ऐप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और एप्स को कैसे यूज करना है और एप्स का फायदा कहाँ पे आता है वी हैव अवर मोबाइल ऑफिस जहाँ पे हम ऑनलाइन में मोबाइल uh, ऑनबोर्डिंग की बात करते हैं So that like, you know, आपका एक efficient process हो हमारे पास लाइब्रेरी है अपनी जहां पे आपको बहुत कंटेंट मिलता है अगर आपको अपॉर्चुनिटी वेलनेस के रिलेटेड कंटेंट चाहिए अपने एडवर्टीजमेंट के लिए अपने सोशल मीडिया पे आपको अच्छे अच्छे लाइक यू नो डिजाइन बनाने हैं तो उसके लिए आपको कॉन्टेंट चाहिए तो वो सारा कॉन्टेंट अवेलेबल है आपके लिए और उस कॉन्टेंट को आप यूज कर सकते फिर प्रोस्पेक्टिंग uh, के लिए इंस्टाग्राम है लिंक है फेसबुक है यूट्यूब है जहां पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है आई नॉट टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट बिकॉज वो सेपरेट टॉपिक है वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं जो आपकी ब्रांडिंग और आपके बिजनेस दोनों चीजों को काफी एनहेंस करेगी जूम या फिर कोई भी कॉन्फ्रेंसिंग वेबिनार टूल बहुत बहुत इंटेग्रल है मेरे बिजनेस के लिए एंड ट्रस्ट मी आपकी सक्सेस का पैरामीटर है कि अभी आप जूम का कौन सा वाला लाइसेंस या कौन वाला सा वाला वर्जन यूज करते हो अगर आपने दो साल पहले अपना डिजिटल बिजनेस शुरू किया है और अभी भी आप फ्री वाला वर्जन यूज करते हो इट मीन ज्यादा ग्रो नहीं किया है क्यों क्योंकि अभी भी आपको जरूरत ही नहीं पड़ी कि सौ से ज्यादा अटेंडीज हो एक चालीस मिनट से ज्यादा की ट्रेनिंग हो इट दैट कि आपका काम हो ही नहीं रहा है लेकिन अगर आपने जूम में तीन का पैकेज लिया है इट डेफिनेटली इंडिकेट्स दैट कि आप ग्रो कर रहे हो जब आपने दो साल ढाई साल पहले शुरू किया था तब आप एक फ्री वर्जन से शुरू करते थे काम जहां पे आप आधे घंटे की मीटिंग्स करते थे चालीस पचास लोग आते थे लेकिन तीन साल में आपने इतना काम किया है कि आपने जो लीड जूम है जूम पे दो हजार का पैकेज लिया आज के टाइम में क्यों क्योंकि दो हजार लोग आपकी मीटिंग्स में आने लगे सो दैट इज द प्रोग्रेस राइट क्या आपके साथ ये हो रहा है अगर नहीं हो रहा है दैट इज वाई यू नीड टू आस्क योर सेल्फ दीज क्वेश्चन

जहां से आप अपने एड्स को रन कर सकते हैं अपनी प्रमोशंस को रन कर सकते हैं अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है और आपको लगता है कि इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास ग्रामरली ऐप है जो आपके कंटेंट को बेटर बनाता है जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को रिमूव करता है जो आपकी स्पेलिंग्स एरर्स को रेक्टिफाई करता है कैनवा है आपके पास फुल फ्लेज बिजनेस टूल जहाँ पे आप अपने लिए हर कोई मार्केटिंग एंड बिजनेस का एलिमेंट बना सकते हैं

तो सीआर में पर्सनल तो ये सारी चीजें जब आपके सिस्टम में होती है और आप इन चीजों को यूज करते हो यू ऑटोमेटिकली टर्न आउटी स्मार्टर आप गलतियां कम करते हो और जो काम आप दो घंटे में कर सकते थे वही काम आपने लाइक यू नो दो घंटे से कम टाइम में किया आपको एक ही घंटा लगा

जेंडा जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो कुछ चीजें बहुत रिपीटेडली हो रही है जैसे कॉन्टेंट कैलेंडर फिक्स है यानी हर मंडे हर वीक का पहला दिन मंडे दस से बारह आई विल नॉट डू एनीथिंग एल्स दस से बारह में कुछ भी नहीं करूंगा मैं सिर्फ अपने कॉन्टेंट पे काम किया करूंगा क्या कॉन्टेंट मैं एडवांस में क्रिएट कर सकता हूँ मैं कंटेंट कहाँ पे स्केडूल कर सकता हूँ किस तरीके का कंटेंट मुझे बनाना है राइट right? यानी अपने मीटिंग के, uh, uh, के लिए यू नो ड्राइव करना है तो ये सारा काम आप देखो दो घंटा एक से तीन बजे के बीच में आप कर रहे हो तो अगर आप देखोगे लाइक यू नो यूर टाइम इज फिक्स फॉर लॉड ऑफ एक्टिविटीज ट्रेनिंग्स यू नो जो भी आपकी गेटिंग स्टार्टेड है स्टेप वन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है तो ये भी आपको पता है कि कब हो रही है सो वेन यू यू नो हैपन टू वर्क विद दिस एटीट्यूड कि जहां पे आप एक एडिटोरियल बनाते हो और आपको पता है कि वीक में इतनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होंगी इतने बिजनेस प्लानिंग सेशन होंगे ये ये टाइम फिक्स रहेंगे तो आपको इजीली पता चलेगा कि एक वीक में आप ऑनलाइन वर्क पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं जैसे आपको इजिली पता चलेगा मंडे टू सैटरडे आपने कितने घंटे स्पेंड किए आपको कितना रिजल्ट्स आए कहां कहां पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है फिर आप देखोगे कि आपका जो वर्किंग स्टाइल है जो आपकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर पार्ट ऑफ द गोल्ड क्लब एंड गोल्ड क्लब में वी हैड अ वेरी स्पेशल ट्रेनिंग ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड वी हैड एन एक्सपर्ट फ्रॉम दी एक्स एक्सटर्नल पैनल और उन्होंने बहुत अच्छे से कैलेंडर uh, की बात करी थी एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्ट्रॉन्ग एंटरप्रनर एंड लीडर टू हैव अ कैलेंडर टू हैव अ अ रूटीन टू हैव सिस्टम क्यों क्योंकि आप ऑप्टिमाइज कर पाते हो चीजों को आप चीजों को बेटर प्लान कर सकते हो आप चीजों को बेटर एग्जीक्यूट कर सकते हो आप बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हो एंड दैट्स लाइक यू नो मे बी जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि और इफ्ल को कितना टाइम देना है और इफ्लम को वो कितना टाइम दे रहे हैं या जो बार-बार अपना मोटिवेशन लूज करते हैं अरे आज तो मेरे पास कुछ है ही नहीं करने दो दिन बहुत ज्यादा काम किया आई गॉट ओवर वर्क और फिर तीन दिन मैंने काम नहीं किया जब हम इस एटीट्यूड के साथ काम करते हैं तो ग्राउड कभी नहीं आएगी टाइटल्स कभी नहीं बढ़ेंगे लेकिन जब आप रोज कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे अगर आप सिर्फ तीन घंटे देते हो लेकिन वो तीन घंटे आप रिपीट करोगे हर दिन पैशन के साथ एग्रेशन के साथ कमिटमेंट के साथ आप देखोगे कि रिजल्ट्स आने लग जाते हैं ट्रांसफॉर्म हो रहा है बिजनेस कंसिस्टेंसी इज द की अयर दैट्स कैलेंडर बिकम्स इंपॉर्टेंट चाहे आपको अपना एक एडिटोरियल बनाना है या फिर आपको अपना एक वर्किंग कैलेंडर बनाना है सो दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली लाइक यू नो अंडरस्टैंड और ये वी आर इज समथिंग जो मैं लीडरशिप uh, डेवलपमेंट के दिन एक्सप्लेन करूंगा दिस इज वेरी स्लाइड बट इट लॉट ऑफ टाइम सो लेट मी स्टिल ट्राई टू टेक सम बजने वाले हैं बिलीव uh, uh, लेकिन जो लोग अभी भी मुझे पूछ रहे हैं कि वो उनको रिकॉर्डेड वर्जन कैसे मिलेगा ट्रेनिंग का या उनको पीपीटी uh, कहाँ से मिलेगी यहाँ पे फिर से एक बार मैं बता दूंगा कि माई ई मेल आई डी मेन्शन डॉट कॉम तो आप प्लीज मुझे यहाँ पे ई मेल कर दो मैं आपको अपने ग्रुप में एड कर दूंगा और वहीं पे आपको पीपीटी और रिकॉर्डेड वर्जन का लिंक मिल जाएगा बाद में ओके ना आई विल डू इज आई ट्राई टू मैं क्यू एंड ए में जाता हूँ और मैं क्यू एंड ए से क्वेश्चन ले लेता हूँ कुछ भक्ति uh, WhatsApp ग्रुप का लिंक वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है कि वो कैसे मिलेगा शिल्पी अग्रवाल का क्वेश्चन है सर लीड्स लीड्स नहीं आ रही। बहुत आ रही। रही बहुत आज के टाइम में लोगों के पास और जितना आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग का डिमांड है आई डोंट थिंक पहले कभी हमने देखा इतना ज्यादा मे बी आप सही जगह पे प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हो मे बी आपका जो तरीका है या फिर जो भी एक्टिविटीज आप करते हो वो आपकी टारगेट ऑडियंस के साथ रेजोनेट ना हो रही हो देर लॉट ऑफ थिंग्स टू इट बट दिस इज समथिंग आई कैन नॉट आंसर लाइक यू नो वेरी हाइपोथेटिकली लीड्स क्यों नहीं आ रही है आप क्या क्या कर रहे हो वो लीड्स लाने के लिए किसी एनोनिमस का क्वेश्चन है कि क्या मुझे टीचर कम्युनिटी एंड टैग दम नहीं वो मैं ऑडियंस की बात कर रहा था Uh, तो इस बार हमारा जब का ट्रेनिंग होगा उसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि ऑडियंसिस को कैसे टैग करना होता है ऑडियंसिस को कैसे फाइंड करना होता है और आप अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से फिल्टर कैसे कर सकते हैं ओके सो प्लीज वेट फॉर दैट वन

अभी के लिए जो हमारी गाइडलाइन है वो काफी क्लियरली बताती है कि अपने एडवर्टीजमेंट में अभी आप ऑरिफ्लैम मेंशन मत करो तो अभी के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एड रन कर रहे हो वहां पे अब अभी आप मेंशन मत करो डू नॉट यूज ऑरिफ्लैम लोगो और वर्ड इन टू कैप्शन लॉर्ड ऑफ क्वेश्चनिंग टू लीड्स कुछ लोग यहाँ चैट में क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज क्यू एंड ए का यूज किया करो एंड आस्क यू इन देर ओके सोशल मीडिया से जो लीड आती है उसमें जो इंटरेस्ट लिखते हैं वो कहते हैं सेंड डिटेल तो उस टाइम हमें उनको क्या सेंड करना चाहिए आई थिंक दैट समथिंग विच आई ऑलरेडी आंसर्ड

तो ज्वाइन ऑन फेसबुक मार्केटिंग एसेंशियल जो भी मैक्मम क्वेश्चनिंग टू प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड्स तो वो उस ट्रेनिंग में हम टेकअप करेंगे और मैं हमेशा आपको प्रैक्टिकल्स देता हूँ कैनवा पे भी एडवर्टीजमेंट्स पे भी लीड जनरेशन पे भी सो डू नॉट सम प्रैक्टिकल्स फॉर दिस है विद नोट आई टेक यूर लीव